खबर अजमेर से है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां 14 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने सभी संबंधित स्थानों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। इसी के साथ डोर टू डोर सर्वे को भी तेज कर दिया गया। आपको बता दें कि अजमेर में अब तक 394 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 11 लोगों की मौत भी हो गई है। टोटल 14 हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स की जो लिस्ट आई है, उसमें से हमारे दो तो माइग्रेंट दिल्ली के हैं, जो पारा से केकड़ी से रिपोर्टेड हैं। एक हमारा जो अजयनगर से है, वो एक ही फैमिली है, वो भी एक हमारी जो पेशेंट पहले पॉजिटिव आई थी उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो उस समय मतलब जो अभी कल जो हमने पर्सनल रैंडम सैंपलिंग की उसमें पता पड़ रहा कि उनके संपर्क में है, तो उनके भी सैंपल लिए गए। वो एक ही परिवार के 3 जने पॉजिटिव आए। एक टोपदड़ा के अंदर जो हमारा पहले परसों जो पॉजिटिव आया था उसके कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है। ब्यावर के अंदर जो एक पहले कठार पॉजिटिव आया था, तो कुछ बैंक कर्मियों ने हमें शिकायत की थी कि वो बार बार हमारे बैंक आता था, तो उनको भी सस्पेक्ट करके जो हमने सैंपल लिया, उसमें दो उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं। एक इंदरकोट से महिला है, वो पॉजिटिव आई हैं। वो पहले रेलवे में इलाज करा चुकी है, कल मित्तल में भी थी, और उनकी सुबह सूचना मिली थी कि उनकी डेथ भी हो चुकी है।